हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सविता एंड नलिन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी जो कि हम बनाएंगे मूंग दाल से। इस सब्जी को ताजी वड़ी भी बोलते हैं या फिर मूंग दाल के पकोड़ों की सब्जी। तो जिसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले तो मूंग दाल। यहाँ हमने ली है ग्रेवी। ग्रेवी को हमने पहले से ही बना के रख लिया है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ग्रेवी के लिए क्या क्या सामान चाहिए। यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए 3 टमाटर, 1 प्याज और लहसुन और अदरक, तो हमने उन सबको इकट्ठा पीस लिया है। यहाँ मैंने मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल यहाँ मैंने भिगो के रखी थी और उसके बाद 2 से 3 घंटे मैंने भिगोया था, उसके बाद इसको मैंने पीस लिया है। तो इसके हम पकोड़े बनाएंगे और पकोड़े की हम आज बनाएंगे सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी मेकिंग करते हैं। तो यहाँ तो मैंने मूंग दाल को पीस लिया है, तो अब देखिए इसके पकोड़े हम कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूंग दाल मैंने यहाँ लिए हैं। तो यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको हम अब इनके हम पकोड़े बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस पे तवा गर्म होने रख दिया था। इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा डालेंगे। और रिफाइंड डालने के बाद चम्मच से इस तरह से हम इसमें ऐसे फैला लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से फैल गया है और हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अपनी गैस को कर लेते हैं सिम और बनाते हैं इस पर पकौड़े। तो फ्रेंड्स, आप पकौड़े डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से तवे पे रख के इसको ऐसे फ्लैट कर दूंगी और मैं इस तरह से इसके पकोड़े बनाऊंगी। मैं इन्हें कढ़ाई में डीप फ्राई नहीं करूंगी। मैं इस तरह से इसको, जैसे हम भल्ले बनाते हैं या कुछ भी आप बोल लो, जैसे आप फ्लैट पकोड़े जैसे मैंने इसमें ये बनाए हैं, आप वैसे शेप में बना सकते हैं। अगर आपको गोल बनाने हैं तो आप गोल बना के कढ़ाई में उसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं ये सारे पकौड़े बना लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पकोड़े इसमें डाल दिए हैं। गैस को हल्का सा कर लेंगे तेज और इस तरह से हम अपने सारे पकोड़े बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पलट दिया है इनको। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, और इसको भी हम दूसरी साइड से पकाएंगे और इसी तरह से अपने सारे जो हम ये पकौड़े बनाएंगे मूंग दाल के, वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो पकौड़े बनाए थे वो दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने इसको सेक लिया है तवे पे। तो इसी तरह से हम अपने सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सारे पकौड़े बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ गैस पर रख ली है कढ़ाई, और इसमें अब डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। तो जैसे ही हमारा तेल गरम होगा, इसमें हम अपनी ग्रेवी डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारा तेल यहाँ गरम हो चुका है, इसमें हम अब डाल देंगे अपनी ग्रेवी। ग्रेवी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से हम हिलाएंगे और इस तरह से ऑयल में मिक्स करेंगे। और आपको तो पता है फ्रेंड्स कि ग्रेवी को हमें तब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल साइडों से इसका ऑयल जैसे ना दिखाई देने लगे, ना आए, तब तक हम इसमें पकाएंगे। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होने लगी है, और आप ये देखिए ग्रेवी की साइड में ऑयल आ गया है। तो हम ग्रेवी को थोड़ी देर और पकाएंगे अभी, और फिर इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे मसाले ऐड। Thank you.
सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। फ्रेंड्स, नमक हम थोड़ा यहाँ पे कम ही रखेंगे क्योंकि जो हमने मूंग दाल के पकोड़े बनाए हैं उसमें भी हमने नमक डाला है, तो थोड़ा सा नमक डालते हुए सावधानी रखें, कहीं नमक तेज ना हो जाए तो सब्जी का सारा जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, मसालों को हमने ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स, आप ये सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। मैं इसमें थोड़ा सा इसमें पानी लगाऊंगी, इसको थोड़ी तरी वाली सब्जी बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का पानी लगाकर पकौड़ों को इसमें ग्रेवी के साथ मिक्स कर सूखा भी बना सकते हैं, आप चाहे जैसे आपको पसंद हो, पर आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, हमारे यहाँ मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और इसमें अब हम लगाते हैं थोड़ा सा पानी। तो ये देखिए, यहाँ मैं इसमें यहाँ थोड़ा पानी लगा दिया है और थोड़ा पानी मैं इसमें और लगाऊंगी क्योंकि मैं ये थोड़ा हल्की सी इसमें तरी रखूंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रेवी में पानी लगा दिया है और इस ग्रेवी को अब हम बॉईल आने देंगे और बॉईल आने के बाद इसमें हम जो हमने पकोड़े बनाए हैं वो डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, तो हमारी ग्रेवी में जब बॉईल आएगा तब इसमें हम पकोड़े डालेंगे। तो ये देखिए, हमारी सब्जी में यहाँ बॉईल आ चुका है, तो इसमें हम अब जो हमने मूंग दाल के जो पकोड़े बनाए थे वो इसमें डाल देंगे और इसके साथ थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो सब्जी का टेस्ट है वो अच्छी तरह से इन पकौड़ों में भी रम जाए। अब ग्रेवी को भी हम इन पकौड़ों के साथ थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये देखिए, जैसे हम इसमें हमारा बॉईल आने लगा है, हम गैस को कर देंगे थोड़ा सा सेव। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूंग दाल के पकौड़ों की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।